बात स्वागत आगे बात करिए समाचारों नी भारत और श्रीलंका ने जोड़ता पुल विषय अलग अलग दावाओ अने अलग अलग वार्ताओ छे ते राम सेतु फरी एक बार चर्चा में आवी गयो छे। भारत में राम सेतु पर घना विवाद अने राजनीति चाली रही छे। फरी एक वक्त राम सेतु राजकीय पार्टीओ नो मुद्दो बनी गयो छे। राम सेतु साथे जोड़ायेला दावाओ विषे वात करिए तो हिंदू धर्म ना प्रसिद्ध ग्रंथ अनुसार आ पुल भगवान राम द्वारा बनावामां आव्यो हतो। એવું કહેવાય છે કે જ્યારે લંકાના રાજા રાવણે માતા સીતાનું અપહરણ કર્યું ત્યારે ભગવાન રામે વાનરસેનાની મદદથી આ પુલ બનાવ્યો હતો। સમગ્ર વાનરસેના પુલ દ્વારા લંકા પહોંચી હતી અને રાક્ષસોને મારીને માતાને મુક્ત કરાવી હતી। અંગ્રેજો તેને એડમ્સ બ્રિજ કહે છે। બીજી બાજુ મુસ્લિમોએ દાવો કર્યો કે રામ સેતુને આદમે બનાવ્યો હતો। વૈજ્ઞાનિકો આ વાર્તાઓમાં વિશ્વાસ કરતા નથી, તેઓ તેને કુદરતી ઘટના માને છે। भारत में राम सेतु नो विवाद 2005 में शुरू थयो हतो। तत्कालीन मनमोहन सिंह नी सरकारे सेतु समुद्रम शिपिंग केनाल प्रोजेक्ट ने आगळ वधारवा माटे लीली झंडी आपी हती। आ प्रोजेक्ट हेठळ आ पुल ने तोड़ीने एक रस्तो तैयार करवानो हतो के जेथी बंगाळनी खाड़ीमांथी आवता जहाजोने श्रीलंकानी आसपास जवुं न पड़े के जेनो मुख्य उद्देश्य समय अंतर अने ईंधण बचावानो हतो। जो के हिंदू संगठनोए तेनो विरोध कर्यो अने आ मामलो सुप्रीम कोर्ट में पहोंच्यो। उल्लेखनीय छे के सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट ने वाजपेयी सरकार मां मंजूरी आपवामां आवी हती। 2004 मां वाजपेयी सरकारे आ माटे 3500 करोड़ रूपियानुं बजेट राख्युं हतुं। त्यारबाद कोंग्रेसना मनमोहन सिंह वडाप्रधान बन्या, ज्यारे मनमोहन सिंहना नेतृत्वमां यूपीए सरकारे तेने आगळ लई जवानुं काम कर्युं त्यारे भाजप द्वारा तेनो विरोध करवामां आव्यो हतो। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।